Sajan Re. Sajan Re. Hi girls. Hi. So are you ready for the party tonight? Yes. You all are... Are you Jay? तू आज आ रहा है ना देख हमने फुल अरेंजमेंट कर लिया है डीजे है डांस है फन है फुल नाइट पार्टी है yes! So are you coming tonight? बेकार में कितने पैसे वेस्ट करोगे इतने पैसों में तो किसी जरूरतमंद स्टूडेंट की फीस भर सकते हैं so boring यार चलो व्हील पार्टी Congratulations, Jay. Thank you, ma'am. Congratulations, Jaya. Thank you. अरे आप दोनों ने भी final year में अपने-अपने courses में top किया? Thank you, ma'am. But all the credit goes to Jaya. मुझे? हाँ. अगर तुम मेरी last semester की fees नहीं भरती, मैं exam कैसे देता? और अगर तुम मुझे रात-रात पर जगाकर तैयारी नहीं करवाते, तो मैं कभी top नहीं कर पाती. टॉप तो क्या मैं पास ही नहीं होती तुमने भी मेरे लिए कुछ कम नहीं किया तुमने भी टाइम टाइम पे मुझे फोन करके जगाया पढ़ाई करने के लिए मुझे तो इनफैक्ट लगता है कि ये अवार्ड मेरा कम तुम्हारा ज्यादा है और मुझे लगता है कि अवार्ड मेरा है ही नहीं सिर्फ तुम्हारा है What are they saying? What language is this? I don't understand. Professor William, this is called the language of love. Deepak, aaj to professor ne mujhe bol hi diya. It's the language of love. Wah. वाह मेरे भाई वाह आज तूने साबित कर दिया कि तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है क्या मतलब मतलब ये कि प्रोफेसर के बोलने से कुछ नहीं होता जया ने आई लव यू बोला क्या आज तक कभी किसी ने तुझसे कहा कि तेरी शक्ल बड़ी भद्दी है नहीं कहा लेकिन हम सच्चाई तो जानते वैसे मैं भी जानता हूँ कि मुझे बहुत चाहती है और तू मुंबई से यहाँ पर मेरे कॉन्वोकेशन के लिए आया कि मेरे कॉन्फिडेंस को हिलाने आया यार मैं मिला हूँ ना उससे मैं जानता हूँ बड़े प्यार से बात प्यार से अरे लड़कियां प्यार से बात करके ही तो कंफ्यूज करती हैं यार कैसे समझाऊं यार तुझे दीपक वो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग और ये अलग अंदाज से दिखती है बेटा मुझे भी एक लड़की ने बड़े अलग अंदाज से देखा था वो तो बाद में पता चला कि उसको दो फीट का कुछ दिखता ही नहीं है और वैसे भी तुझ पे ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि मुस्कुराना तो हर एक लड़की की अदा है उसे जो प्यार समझ बैठे वो सबसे बड़ा गधा है उसने आई लव यू बोला क्या नहीं ना बस खाना लेकर आती है मेरे लिए रोज अरे वो तो भिखारियों के लिए भी खाना लेके आती है तो कल को भिखारी मुझसे बोलेंगे अरे दीपक भाई वो जया मेरे लिए खाना लेके आती है तो मुझसे प्यार कर तो मैं मान लूंगा क्या अरे आई लव यू बोला क्या उसने नहीं ना बस फीस भरती है मेरे लिए अरे चैरिटी तुम्हारे जैसे चार पांच गरीबों की और वो फीस भरती है आई लव यू बोला क्या एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई लड़कियों को भगवान तो क्या रजनीकांत नहीं समझ पाए तो हम और तू किस खेत की मूली है अब तक मुझे लग रहा था मुझसे प्यार करती है अब लग रहा है कि नहीं नहीं ये कोई तो तरीका होगा ना जानने का कि वो मुझे चाहती है या नहीं चाहती जय तो जिस महान इंसान के बगल में खड़ा है ना उसका नाम है दीपक तिजोरी और दीपक तिजोरी के दिमाग में एक अच्छा आइडिया है क्या
सोच के बताता हूँ, चल सोचने दे, सोचने दे। अभी तो तूने बोला कि तूने सोच ली। अरे सोचने दे पूरी बात। कैसी बातें कर रहे यार भाई, मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ, अपने कस्टमर पे कॉफी गिरा दूँ? जय मुझे पता है तू नौकरी सिर्फ जय के लिए करता है, क्योंकि तू उससे प्यार करता है, वो यहाँ 5-5 घंटे आके पढ़ाई करती है। एक मेरी बात सुन, ध्यान से सुनना ठीक है। देख जैसे ही तू किसी पे कॉफी गिराएगा वो तुझ पे भड़केगा, डांटेगा, मारेगा, और किस्मत अच्छी है तो घूसा भी लगा देगा। तू मुझे पिटवाने का आइडिया लेकर आया? प्यार करता है ना? हाँ हाँ। अगर जय भी तुझसे प्यार करती होगी तो तुझे बचाने जरूर आएगी। हाँ। तो उसके बचाने के तरीके से पता चल जाएगा कि तू उसका होने वाला पति है। हाँ। या फिर उसके दिल में तुझ जैसे गरीब के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी है मेरे भाई। पति 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 ठीक है, प्यार करता है ना। हाँ। चल कॉफी कॉफी लेके आता। चल अरे किस पे रुकना, बता किस पे? अरे ये अरे वो। हाँ। चाके गिरा इस पे, चाके गिरा दे उस पे, अंग्रेजी में गाली खाएगा मजा आएगा ठीक है। ऑल द बेस्ट। क्या इस पे डाल, वो फिरंगी तो भड़का ही नहीं। तो टेंशन मत लेना, इस बार कोई ढंग का आदमी ढूंढते ठीक है। आजा। कोई गड़बड़ नहीं। हाँ मैंने पिछली बार भी बराबर किया था, इस बार भड़कना चाहिए। हाँ उस पे गिरा, उस पे। ये लड़की पे? अबे ये तो डाल लेंगे उस पे। लैपटॉप लैपटॉप गिरा। I'm very sorry. नहीं नहीं होता है, कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है। अरे मैंने जानबूझ के क्या आप मारी है? जानबूझ के? हाँ। कोई प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। नो, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस ठीक किए। आइंदा कभी ऐसा हो ना तो ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। गेट आउट। हाँ आई एम ओनली गेटिंग आउट। ये चल रही, अब क्या करे? साइकेट्रिस्ट फिरंगी दोनों भी नहीं भड़के। टेंशन मत ले जाए, वो लोग नहीं भड़के तो क्या हुआ, एक फिरंग जरूर भड़केगा, जरूर भड़केगा। ऑल द बेस्ट। वेटर एक गर्मा गर्म कॉफी गिराओ, गर्मा गर्म कॉफी लेके आओ। Oh,
अरे क्या है, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? अभी ओवर एक्टिंग नहीं है बे, तूने गरम कॉफी गिरा दी। अबे मैं ठंडे पे भी चिल्लाने ही वाला था। डट 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 डांटूंगा, जरूर डांटूंगा, इतना डांटूंगा कि तेरा कान फट जाएगा। अरे सुनाई नहीं दे रहा उसको। तो मैं क्या करूं, सुना ओके सुनाई नहीं दे रहा। एक सेकंड, इधर बात नहीं बनेगी, उधर चलना पड़ेगा काम। तुमने मेरा इतना महंगा कमीज खराब कर दिया, ऐसा तुमने किया क्यों? बदतमीज कहीं गए, ये कोई तमीज है? टी शर्ट खराब कर दी तुमने मेरी। जय क्या हुआ? कुछ नहीं, कोल्ड कॉफी नहीं थी तो हॉट कॉफी गिरानी पड़ी। क्या मतलब, थोड़ी सी कॉफी क्या गिर गई? देखो मुझे कितना डांट रहे, मैंने 10 बार सॉरी कहा, ये भी काम मेरी गलती है, मुझे माफ कर। गलती? इतनी बड़ी गलती जो तुमने इधर कॉफी गिरा के किया, उसका क्या? बेवकूफ कहीं का। और आप इसकी तरफदारी क्यों कर रही है? आप इसका है कौन? क्यों सपोर्ट कर रही है इसका, बताइए। एक इंसान होने के नाते। बाकी सभी तो इधर इंसान है, वो सब क्यों नहीं आया? आप ही क्यों आई? आप इसका है कौन? देखिए आप अपनी जबान पे लगाम दीजिए। जबान क्यों लगाम दूं? लगाम तो ये देगा, वो भी दोगुना। आज देखता हूं मुझे कौन रोकता है। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो भी 2 टके के इस वेटर के लिए? आखिर आप इसका लगता कौन है? ये मेरा दोस्त है। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होता, सलमान खान ने कहा है। आखिर तुम इसका लगता कौन है जो कब से इसकी तरफ दारू किए जा रहा है? कौन है तुम? तुम इससे प्यार करता है, तुम इसे मोहब्बत करता है, तुम इसका मोहब्बत है, तुम प्यार है? हाँ हाँ, मैं इसे प्यार करती हूँ। अरे रुको सुनो जया, जया अरे मेरी बात सुनो जया, रुको। I'm sorry. इतनी सी बात जानने के लिए इतना सारा नाटक करने की क्या जरूरत थी? तुम डायरेक्टली नहीं पूछ सकते क्या? बोल देता और तुम मना कर देती तो? मुझे डर लग रहा था ना, हमारी दोस्ती टूट जाती। हर चीज बोलना जरूरी है क्या? तुम कभी समझे नहीं? कैसे समझता? ऐसे पैबंद लगाने वाला लड़का वो भी तुम्हें पसंद आएगा? मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था। जय, तुम गरीब हो तो तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी? तुम क्लास में फर्स्ट आते हो, क्लासेस के पहले न्यूज़पेपर्स बेचते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो और अपनी स्कॉलरशिप से फीस भरते आए हो। और हाँ, थोड़े बहुत क्यूट भी दिखते हो। और सुनो, ये पैबंद नहीं, तुम्हारा प्राइड है। दुनिया तो दिखावे की है जय, लेकिन तुम सच्चे हो। दुनिया जो छुपाती है ना, तुम वो गर्व से पहनते हो। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें क्लियरली बता देती हूँ, मैं तुम्हें पसंद जरूर करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ मेरे बाबा लेंगे। ओहो, मैं तो भूल ही गया, पापा भी तो होते हैं लड़कियों के। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा कैसे भी क्यों ना हो, वो मुझे कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्या ना कि वो
वो जानते नहीं कि मैं क्या चीज। अच्छा, ज्यादा उड़ो मत, तुम्हें भी नहीं पता मेरे बाबा ललित राव लोखंडे के बारे में। तो बताओ। अच्छा तो बता दो। अच्छा वो अरे सुनो ना जया, सुनो जया, बताओ ना अपने बाबा ललित राव लोखंडे के बारे में। रुको जया, जया श्री ललित राव लोखंडे जी के लोखंडे आयुर्वेद आश्रम द्वारा आयोजित रोग निवारण शिविर की शुभारंभ आरती शुरू होने जा रही है। लोखंडे लोखंडे लोखंडे। नमस्कार। नमस्कार। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा लग सकता है। आपको हाथ कितने हैं जी? भगवान ने आपको हाथ कितने दिए जी? दो। पैर? दो। किडनी, फेफड़े, सब कुछ दो है, तो फिर रोटी दो क्यों नहीं? दो। दादा दो नहीं, तीन रोटियां हैं। वही तीसरी रोटी मेरे पास दे दो। आदमी जब ज्यादा रोटी खाता है तो दुनिया के किसी कोने में एक गरीब की एक रोटी छीन ली जाती है, इसलिए आदमी को जरूरत है सिर्फ दो रोटियों की। ज्यादा रोटी खाने से इंसान की सेहत और रोटी दोनों खराब हो जाती है। जो आदमी दो जोड़ी कपड़े और दो वक्त की दो रोटी पे खुश है वो इंसान है, क्योंकि बहुतों के पास इतना भी नहीं है। जरूरत बढ़ते ही जरूरत पे काबू रखना, ये इंसान की जरूरत है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा की क्या जरूरत है। लेकिन ये बात अमीर लोग नहीं समझते, उनके दिमाग में ये घुसती नहीं। इस दुनिया में गरीबी है ही इसलिए क्योंकि ये कमबख्त अमीर अपनी तिजोरियों को भरने में लगे हुए। अगर इन अमीरों के धन दौलत को इकट्ठा करके सब में बराबर बांट दिया जाए तो हर इंसान के पास रोटी, कपड़ा और मकान होगा, हर इंसान खुश होगा। इस धरती पर अभिशाप गरीबी नहीं है, अभिशाप है ये अमीर लोग। इसलिए मुझे अमीरी से और अमीर लोगों से सख्त नफरत है, घोर नफरत, घोर नफरत, घोर नफरत। सर, जापान के किदोशी टेक्सटाइल्स वाले कह रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स अब हमें पुराने दामों पर नहीं बेचेंगे। प्रसाद, बोले जाकर कहो कि पिछले हफ्ते मेरे पैर का फ्रैक्चर हुआ था, मेरे दिमाग का नहीं। और उनसे ये भी कहना कि टेक्सटाइल बनाने वाले लेटेस्ट मशीन्स हम इंडिया में बना रहे हैं, अब हमें उनसे नहीं बल्कि उन्हें हमसे हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, इसलिए कोट्स नहीं बदलेंगे। राइट? ओके सर। यस मिस पूजा। सर कोट्स? मैंने कहा ना कोट्स वही रहेंगे। सर कोट्स। दिस इज ओके। Okay. Anything else? No, sir. Thank you. Good morning, sir. Hi. Good morning, Malia. How are you, sir? Top of the world. Top of the world. Sir, MK Tires के CEO के साथ आपकी आज 12 बजे मीटिंग है, उसके बाद में रशियन इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। Please relax.
मुझे बताओ, मेरे बेटे जैन ने फोन किया था? Unfortunately, no, sir. ये है ना, मुझे किसी दिन हार्ट अटैक दिलवा कर ही रहेगा. सर नो प्रॉब्लम, जैसे हमारे होटल्स और टाउनशिप है वैसे हमारे हॉस्पिटल्स भी है, तो आपका जो हार्ट अटैक होगा उसका इलाज वहाँ पे अच्छे से हो जाएगा. I was just joking, sir. I'm serious. Please connect Jay immediately. At once, sir. तुम्हारे बाबा जब मेरे पिताजी से मिलेंगे ना, तुम देखना बड़ा मजा आएगा. इसका फोन आया. अरे पिताजी का नाम लिया और पिताजी का ही फोन आ गया. मैं जरा उनसे बात कर लेता हूँ. मैं भी बाबा को फोन लगा. ठीक. जय मेरे बेटे मेरे लाल, कहाँ था तू? एक फोन भी नहीं करता. पिछला फोन तूने कब किया था तुझे याद है? कल रात को तो किया था. डैड कल रात को 9 घंटे हो गए उसे. के ओके, आई एम सॉरी डैड. बताइए आपका पैर कैसा है? अरे मेरे पैर की बात छोड़, अपने पैरों की बात बता. मेरे पैरों को क्या हुआ? मेरे पैर जो पिछले 3 महीने से लड़खड़ा रहे हैं. मेरे पैर तो आज भी लड़खड़ा रहे थे, वो तो जया ने आगे कदम बढ़ा दिया. कैसे? उसने अपने दिल की बात मुझे बता दी. डैड उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया. कैन यू बिलीव इट, जया भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उससे करता हूँ. ये उसको देखे आओ. हाँ. हाँ. काका जया दीदी का फोन है. अरे वाह. हेलो बाबा. नमस्ते. कशेश पुरी. बाबा आज मैं बहुत 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 खुश हूँ. तुम्हारे आवाज में आज एक अलग ही चहक है. हाँ वो बात ही कुछ ऐसी है. लगता है मेरी बेटी क्लास में फिर से एक बार फर्स्ट आई है. हाँ वो तो मैं आई हूँ, लेकिन आपसे और भी एक जरूरी बात करनी थी. You made my day, बेटा. You made my day. फालिया, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल. म्यूजिक बजाओ, जोर जोर से बजाओ. मैं एक टांग पे नाचूंगा आज. मेरा बेटा जिस लड़की को चाहता था, उस लड़की ने मेरे बेटे को पसंद कर लिया. वाह. क्या? तुमने लड़का पसंद कर लिया? मुझे पूछे बिना? बाबा सबसे पहले मैं आप ही को बता रही हूँ, और मैंने लड़का सिर्फ पसंद किया है, शादी के लिए हाँ नहीं की है, क्योंकि वो हक सिर्फ आपका है. डैड शादी के लिए मंजूरी तो उसके बाबा देने वाले हैं ना. अरे शादी की मंजूरी उसके पापा के पापा भी दे देंगे. परमवीर चोपड़ा के बेटे को कोई ना बोल सकता है. आई लव यू डैड. डैड जया को सरप्राइज देने का वक्त आ गया है. ठीक वैसा ही सरप्राइज जैसा अपने मॉम को दिया था. मैं हमेशा से चाहता था आप जैसे मॉम को घर में लेकर आए, मैं भी जया को ठीक वैसे ही लेकर आऊं. आपने मॉम को अपनी असलियत के बारे में नहीं बताया, मैंने भी नहीं बताया. आप एक नॉर्मल गरीब लड़के बनकर मॉम का दिल जीता, और मॉम ने आपसे प्यार किया, आपके पैसों से नहीं. मैंने भी वही किया. जया आज मुझसे प्यार करती है, मेरे पैसों से नहीं. डैड वो भी मॉम की तरह घर में आएगी, देखेगी और चौंक जाएगी जब उसे पता चलेगा कि मैं ये पैबंद वाला लड़का नहीं हूं. मैं वो गरीब लड़का नहीं हूं, बल्कि मैं मल्टी मिलियनर परमवीर चोपड़ा का बेटा हूं. यस यस. वो सब तो ठीक है, लेकिन जिस लड़के को तुम मुझे मिलवाना चाहती हो, क्या नाम बताया, विजय, वो अमीर खानदान से तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हो आप बाबा? आप ही की बेटी हूँ. 2 जोड़ी कपड़े और 2 वक्त की रोटी याद है मुझे. आपके दिए हुए सारे संस्कार याद है मुझे. तो फिर किसी अमीर को कैसे चुनती? आप ही की तरह एक सेल्फ मेड मैन है वो. आपको पता है आज के जमाने में भी उसको अपनी फटी शर्ट पे पैबंद लगाने में शर्म नहीं आती. मुझे पूरा यकीन है बाबा कि आपको वो जरूर पसंद आएगा. अरे पसंद क्यों नहीं आएगा बेटा? तुम दोनों के वेलकम की ऐसी तैयारियां करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी. बस तू जया को लेकर मुंबई आ जा. आ जाओ
हमें इंतजार रहेगा उस लड़के का और उस लड़के के परिवार को मिलने का। आ जाओ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.